मुझे भी नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता, मैं मजाक से हटके कंटेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं दिखा नहीं रहा। ट्रांसफर तो हो गया, गया किधर, और उसका ग्रैंड टोटल क्या निकला, ऑर्डर प्लेस हो गया। सो गाइस, अभी मेरे साथ एक स्कैम हुआ यार। मेरे साथ ही क्यों होता है यार सब स्कैम, मेरे समझ में नहीं आता। अभी जोमेटो वाला स्कैम हो गया मेरे साथ। एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं अभी जस्ट, मुझे अभी इतना जो भाजी बनी है घर पे, सब्जी बनी है, वो मुझे पसंद नहीं आती पर्सनली। बाकी तो सब खा लेते हैं, मुझे वो पर्सनली पसंद नहीं आती, तो मैं नहीं खाता वो सब्ज़ी, मुझे नहीं पसंद, अच्छी नहीं लगती मुझे। तो मैं जोमेटो ऑर्डर कर रहा था, तो मैं बर्गर ऑर्डर कर रहा था, एंड मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, मेरे दिमाग में क्या आया, मैं क्या कर रहा, क्या पता, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सा बर्गर ऑर्डर किया और उसका ग्रैंड टोटल क्या निकला है। ऑर्डर प्लेस हो गया, सर्कल हो गया टिक, ऑर्डर प्लेस हो गया, ये आपका ऑर्डर बनना चालू हो गया, ऐसा करके मेरे को सामने दिखा दिया स्क्रीन पर। मेरे को यही समझ में नहीं आ रहा है कि जोमेटो में मैंने क्या ऑर्डर किया और कितने रुपए का ऑर्डर किया, कौन सा बर्गर ऑर्डर किया, वेज है नॉन वेज है, कौन सा है, क्या है, आलू टिक्की फालू टिक्की, समझ में नहीं आ रहा है अभी तक मेरे को, समझ में नहीं आ रहा है। वो तो नाम तो लिख के आ रहा था, ये आपका ऑर्डर है, ये आपका ऑलू टिक्की मगर मगर सिक्की अगड़ पक्की अगड़ चिक्की डक विक्की, इतने रुपये का ग्रैंड टोटल तो मेरे को समझ में आ गया ग्रैंड टोटल क्या है, बट मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि ऑर्डर क्या किया। तो ना मेरा दिमाग ना स्टक हो गया, वो पाँच बजे मेरा स्कैम हुआ ना, 5 बजे जो मेरा गेम हो गया ना, उसकी वजह से मेरा दिमाग पूरा हिल गया। तो अभी आएगा तब पता चलेगा क्या आया है। पहली बार ऐसा हो रहा है किसी के साथ कि जोमेटो पे किसी ने ऑर्डर प्लेस किया है एंड उस बंदे को पता नहीं कि क्या आने वाला है। ये बोल सकते हैं कि मिस्ट्री जोमेटो बॉक्स गाइस, ये पहली बार हो रहा है किसी यूट्यूब पे, पहली बार हो रहा है ये चीज़ कि मिस्ट्री जोमेटो बॉक्स। तो इसका टाइटल ही साला ये डालेंगे, मिस्ट्री जोमेटो बॉक्स। मुझे भी नहीं पता, लिटरली मुझे नहीं पता, मैं मजाक से हट के कंटेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ, लिटरली मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता मैंने क्या ऑर्डर किया है एंड क्या आने वाला है। ऑर्डर प्लेस हो गया है, 22 मिनट में डिलीवरी बता रहा है, एंड देखते हैं क्या आने वाला है। सच्ची में क्या आएगा, वेज आएगा नॉन वेज आएगा, मुझे पता नहीं, खाली वहाँ पे लिख के दिखा रहा है ये है। शायद मैं ज़्यादा चलाता नहीं, इसके वजह से मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। हालांकि कुछ लॉन्डे कमेंट कर देंगे कि सब लिखा हुआ तो आता है वहाँ पे, सब ये आता है, एंड मैंने कैंसिल करने की भी कोशिश की बट वो कैंसिल भी नहीं हो पा रहा है, वो पता नहीं मुझे आ नहीं रहा है, क्योंकि मैं ज़्यादा जोमेटो वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ इतना, बहुत ही रेयर केस में मैं जोमेटो वगैरह यूज़ करता हूँ। तो मुझे शायद वो एप्लीकेशन यूज़ नहीं करने आ रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं, वो एक वो सारा सिस्टम एक अलग जगह पर। बट अभी प्रॉब्लम ये है कि भूख तो लग रही है, खाना तो है ही, और कैंसिल करने का वो मिल नहीं रहा, तो देखते हैं आ क्या रहा है। अभी स्टार्ट नहीं किया है तो वीडियो भी स्टार्ट कर देता हूँ। अभी जस्ट दो पाँच मिनट पहले ही मैंने एक वीडियो एंड किया है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के जोमेटो मिस्ट्री बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, देखते हैं हमारे जोमेटो बॉक्स में क्या आता है आज। ओके सो गाइस, देख सकते हो मतलब ऑलमोस्ट डिलीवरी वाला पहुँच ही गया आज। ये ऐसा होता ना कि हमेशा टाइम पर नहीं आता, बट आज टाइम पर आ गया है ये, तो देखते हैं क्या आ रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है एक्चुअली, मैं बहुत ज़्यादा, मेरे को इतना नहीं पता चलता है ऐसा है, बट देखो ऑर्डर में ये क्या है, ये नॉर्मल आलू टिक्की बर्गर और नीचे भी नॉर्मल आलू टिक्की बर्गर, दो बर्गर दिखा रहा है, 209 का 4 का। मैं सोच रहा हूँ एक और ऑर्डर मार दो, अगर सारा इसमें कुछ नहीं निकला तो दूसरा ऑर्डर तो चलेगा एटलीस्ट अपने को, तो सोच रहा हूँ दूसरा ऑर्डर मारता हूँ फिर मिलता हूँ आपसे। चलो ओके गाइस, मैंने फटाक से एक और ऑर्डर मार दिया है, और ये वाला तो मैं नॉर्मली जनरली इसे खाते रहता हूँ, तो ये वाला ऑर्डर उस पर ही था, परिता फेवरेट्स पे, तो उस पर क्लिक करके, तो ये वाला मैंने सबवे से ऑर्डर किया, पिछले बार भी देखा रहेगा आपने सबवे मैंने ऑर्डर किया था। तो उसका क्या प्रॉब्लम होता है ना कि वो हमेशा वो पीछे साइड चले जाता है, वो दूसरे किसी बिल्डिंग में चले जाता है, लक्ष्मी सदन बोल्ड किसी दूसरे बिल्डिंग में चले जाता है। तो यहाँ ऑर्डर प्लेस हुए दो ऑर्डर प्लेस हुए यहाँ पे, एक कोई तो बर्गर की दुकान पे, और बर्गर वाला तो पता ही नहीं कौन से दुकान पे लगा है, वो ही मुझे नहीं पता कि कौन से दुकान में गया है ऑर्डर, बर्गर किंग में गया है, डोमिनोज में गया है, कहाँ गया है, डोमिनोज तो अलग ही पिज्ज़ा का है, बट कौन से उसमें गया मुझे पता ही नहीं। तो देखते हैं कि बर्गर पहले आता है कि सबवे पहले आता है, आता क्या है जल्दी। एंड ये सबवे वाले को तो फ़ोन ही करना पड़ेगा क्योंकि पीछे वाले उसमें एरिया में चले जाते हैं, तो सबवे वाले को फ़ोन करना पड़ेगा, पहले सबवे वाले को फ़ोन करते हैं। बर्गर वाला तो निकल गया ऑलमोस्ट रस्ते में पहुँच गया, तो वही आता होगा पहले, एंड उसमें वो खोल के दिखाना है क्या है। आज का ब्लॉग तो एकदम सरफिरा बन गया है आज का ब्लॉग, मेरे को भी इंटरेस्ट आ रहा है आज के ब्लॉग में, सब आगे होगा क्या, आगे आएगा क्या बर्गर में, देखना पड़ेगा। सबवे वाला वहाँ पहुँचेगा, बर्गर वाला कुछ और ले आएगा, देखना, लाइफ ऐसी होती है डूड। सबवे वाला कहीं और पूछ रहा है, उसको बिल्डिंग बताना पड़ेगा, और बर्गर वाला क्या लेके आएगा वो हमको बताना पड़ेगा कि क्या लाया है। ओके सो गाइस, वो सबवे वाले को फ़ोन किया है,
वो हमेशा वहाँ पहुँच जाता है पीछे साइड, तो हम उसको गाइड कर देंगे कि भाई वहाँ नहीं जाना, मुंबई बैंक के अंदर देखते हैं पहुँच रही है। हेलो, हाँ जी भैया, अभी एक ऑर्डर किया सब्वे का, लक्ष्मी सदन का, तो लक्ष्मी सदन में आना है भैया, वो पीछे वाली बिल्डिंग में नहीं चले जाना, मुंबई बैंक के यहाँ पे, नहीं तो सब्वे से जो भी निकलता है वो पीछे साइड चले जाता है, पीछे बिल्डिंग में फिर घूम के यहाँ पे आना पड़ता है, मुंबई बैंक के यहाँ पे आना लक्ष्मी सदन। कौन सा स्टेशन? स्टेशन की पटरी यहाँ पे करा। हाँ ओके, ये तो पूछ रहा है, मैं उसको बोला सब लोग हाँ ऑर्डर किया है, हाँ अरे तुम्हारे पास, हाँ कैसे कैसे रखते हैं भैया जोमैटो ऑर्डर है, यार बाप रे, अभी उसको फोन करना पड़ेगा डोमिनोज वाले को भी, डोमिनोज वाला तो ऑलमोस्ट पहुंच ही गया, डोमिनोज वाला तो आ रहा है तुरंत यहाँ पे, इसको तो फोन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये तो आ जाएगा जल्दी। ओके सो गाइस, जोमैटो वाले भैया तो आ गए हैं, मैं दिख नहीं रहे, आएंगे तो यहीं से ही, अरे बाप रे इससे इतना ब्लर, आएंगे तो यहीं से ही आएंगे, दिख तो नहीं रहे, गेट बंद रहेगा ना वहाँ का, उस वजह से शायद। आ गए आ गए, जोमेटो वाले भैया आ गए, बर्गर वाले पहले पहुँच गए, एक और फोन आया मेरे को। हेलो, आप ही आ रहे हो, आप कहाँ पहुँचे, दोनों ऑर्डर एक साथ आ गया, दोनों ऑर्डर, एक लड़का गेट तो नहीं है, एक सेकंड, वो तो आ जाइए। ओके गाइस, ये सब्वे है, ये सब्वे आ गया है, पहले जहाँ जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो आ गया, एंड बर्गर वाले भैया आ ही रहे हैं अभी, बर्गर वाले भैया ये दोनों क्लैश होंगे अभी, ये आए देखो बर्गर वाले, अभी ये सब्वे वाले, मेरे को लगा ये बर्गर वाले भैया सब्वे वाले आए, अब इनको पेमेंट करना पड़ेगा, बैटरी भी नहीं है यार इसमें, यार आज का क्या दिन जा रहा है यार, आज पेमेंट हो जाए, और ये भी रखा यहाँ पे तो सरक रहा था, वहाँ गिर जा रहा था पीछे साइड, क्या दिन जा रहा है भैया आज का क्या बताएं, मेरे को लगा बर्गर वाले हैं ये सब्वे वाले थे, जो सब्वे देखे गए उनको गाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, जिनको सोचा था उनको गाइड करने की ज़रूरत पड़ी, अब इनको पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट करके उसके बाद मिलता हूँ आपसे वापस। चलो ओके सो गाइस, दोनों चीज़ें आ गई हैं, एंड आपने देखा कैसे क्लैश हुआ, एक्चुअली हुआ यूँ कि बर्गर वाला भी पहुँच गया एंड सब्वे वाला भी पहुँच गया, एंड मेरे को ऐसा लगा कि शायद सब्वे वाले को गाइड करना पड़ेगा क्या है और क्या नहीं, एंड बर्गर वाला तो सीधा आ जाएगा, तो हुआ यूँ कि ये आया सब्वे वाला आ गया, एंड मेरे को लगा ये बर्गर वाला है, क्योंकि बर्गर वाला ही पूरा दिखा रहा था कि हाँ पहुँच गया करके, मेरे को लगा ये बर्गर वाला है, सब्वे वाले को चेक ही नहीं किया मैंने, तो मेरे को लगा ये बर्गर है, और सब्वे वाले को मैंने पेमेंट कर दिया था, उसको पेमेंट नहीं करने का था, बर्गर वाले को करने का था, क्योंकि बर्गर वाले तो बोलो ना मैं स्कैम हुआ अपने आप से एकदम से, कैसे वो ऑर्डर हुआ, क्या हुआ क्या पता, ये कौन से कंपनी का है, ये कौन सा वेंसडे पता नहीं ये क्या है, ये तो कौन सी कंपनी मेरे को पता नहीं, इसके अंदर होगा क्या वो भी नहीं मेरे को पता, लिटरली ये जो है ना मैं बोल नहीं सकता, मैं क्या खाऊं इसको मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, ये दोनों चीज़ें तो बर्गर तो दोनों वेज हैं, बट है क्या इसके अंदर वो नहीं पता, कौन सा बर्गर है क्या है कुछ नहीं पता, तो हुआ यूँ था कि सब्वे वाले को पेमेंट करने जा रहा था इसका, क्योंकि सब्वे वाले को पेमेंट कर दिया था, मेरे को लगा बर्गर वाला, तो सब्वे आपको भी नहीं समझ आएगा 100%, क्योंकि हुआ ही ऐसा मैस ना, और फिर वो सब्वे वाला वो बर्गर वाला वहाँ से घूम कर सर कहाँ आने का, मेरे को लगा वो पीछे पहुँच गया, मैंने बोला सर मुंबई बैंक आने का, क्योंकि यहाँ से हालांकि यहाँ से मुंबई बैंक पड़ता ही नहीं है, यहाँ से पड़ता है मुंबई बैंक, मैंने बोला मुंबई बैंक आने का, आप वहाँ से उल्टा घुमा लो और उल्टा घुमा के मुंबई बैंक आओ, फिर बोलते सर मुंबई बैंक उल्टा जाना है क्या, फिर से अगर मैं उसको उल्टा बोल देता था तो वो उल्टा फिर से वहाँ चल गया था, उल्टा सीधा रुंगवास के साइड, ये दो चीज़ आई है इसके अंदर, होगा क्या सब्वे तो ठीक है सब्वे तो मैं खाया हूँ, बट ये बर्गर वाले में देखना पड़ेगा बर्गर वाले में क्या हो, मेरा फोन में चार्जिंग भी नहीं है, ज्योति के फोन से शूट करूँगा एंड दिखाऊंगा आपको क्या है इसके अंदर। चलो ओके सो गाइस, क्लैरिटी थोड़ी सी मात्रा रहेगी उसको इग्नोर करना, क्योंकि मेरा फोन लगा है चार्जिंग पे, मेरे फोन में चार्जिंग है नहीं, मेरा फोन चार्जिंग पे है, एंड ये ज्योति के फोन से फ्रंट कैमरे से शूट कर रहा हूँ, बैक कैमरे से नहीं, तो फ्रंट कैमरे से सी क्लैरिटी वैसी है, तो आप लोग देख लेना जो भी है, पहले इसका फिल्म वगैरह निकाल लेता हूँ, अब मैं देखता हूँ कि इसके अंदर है क्या, साला मैंने ऑर्डर क्या किया है वो देखते हैं, ले लें।
सा ये सबवे है, इसको बाद में रखते हैं, इसमें तो पता है क्या है, इसको देखना है सारा इसके अंदर क्या है। बस दो बर्गर है इसके अंदर, मैं निकाल के दिखा दूँ आपको। ये कंपनी कौन सी यार, ये कौन सी कंपनी है यार ये बर्गर की कंपनी, मेरे को तो प्रोनाउंस करने भी नहीं आ रहा ये चीज़। अगर आपको प्रोनाउंस करने आ रहा तो प्लीज़ कर देना, मेरे को पता ही नहीं कौन सी कंपनी है यार, ये क्या बर्गर है क्या नहीं। हालांकि है तो दोनों वेज ही, बट देखना पड़ेगा क्या है। अच्छा ये लिए अपना नॉर्मल आलू टिक्की है, देखो ये बन, बन में तीन कांदा चुका है और ये पैटी है, बस ये है इसमें। और अगला वाला कुछ है, अबे ये भी ये भाई, अरे दोनों एक ही बर्गर है डूड। अरे भैया जी जी जय हो। अब मेरे को ये भी नहीं पता ना कि मैंने ऑर्डर क्या किया, तो मैं क्या अभी क्या करूँ। इसका बन अलग ही शायद, नहीं बन भी एक ही है भाई, सब एक ही है, एक ही बर्गर आएगा। स्कैम स्कैम पार्ट टू, स्कैम ही स्कैम हो रहे डूड, खाली स्कैम ही स्कैम। कि ऑर्डर क्या किया है पता नहीं, आया क्या है एक ही बर्गर दोनों, आया कौन सी कंपनी से वो भी नहीं पता, आया भी दोनों एक ही जगह पे, पेमेंट किसको किया किसको नहीं कुछ पता नहीं, कौन सा किधर रुक गया कौन सा किधर है। ऐसा भी किसी का डे एंड होता है आप देख सकते हो, खाली यूट्यूबर लोग का ही ऐसा डे एंड होता है। देख रहे हो आप, बर्गर क्या आया है, सब्वे क्या आया है, कहाँ से आया है, कोई कोई कहाँ से आया है, कंपनी कौन सी है समझ में ही नहीं आ रहा, ना प्रोनाउंस करने आ रहा है। अब इसको खाता हूँ आराम से, कुछ भी आया पेट तो भरेगा एटलीस्ट, तो सब्वे तो सब्वे से तो भर ही जाएगा पेट, बर्गर से नहीं सब्वे से तो भर ही जाएगा, तो वही चीज़ है। तो अभी खाते हैं, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं सीधा कल सुबह, तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे। Tomorrow. Okay, so good morning guys once again. अभी जस्ट सो के उठा हूँ, एंड उठते ही सर दर्द साथ में लेके उठता हूँ मैं, मतलब मैं जब सो के उठता हूँ तो एक दर्द, एक दिमाग पे प्रेशर, एक टेंशन साथ में ही लेके उठता हूँ। अभी टेंशन सवेरे सवेरे ये आ गया कि मैं सवेरे से एक चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, सवेरे से नहीं इनफैक्ट कल रात से मैं ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो जो ज्योति के फ़ोन में कल रात को शूट किया ना, वो मैं अपने आईफोन में या अपने आईपैड में लेने का ट्रांसफ़र करने का कोशिश कर रहा हूँ, बट हो ही नहीं रहा है, एयर ड्रॉप से हो ही नहीं रहा है। एंड अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो सात के साथ फाइल मेरे पूरा डेटा मेरे इसमें ट्रांसफ़र हुआ है, एंड उसके बाद मेरे डेटा मेरे आईपैड में आके गया किधर वो समझ में ही नहीं आ रहा है, गैलरी में दिखा नहीं रहा, फाइल्स में दिखा नहीं रहा, ट्रांसफ़र तो हो गया गया किधर, आईफोन में तो आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या सीन है। जब भी वो करो तो मतलब वो जो बोलते हैं कि शेयरिंग इज फेल, अब पता नहीं। अभी एक नया टंडा ये भी हो गया है कि मेरा आईपैड पता नहीं क्या हैंग हो गया है, क्या हो गया पता नहीं, ऐसे पहली बार हुआ मेरा आईपैड यूट्यूब मतलब वीडियो चलते चलते आईपैड ही बंद हो जा रहा है मेरा। अभी ये क्या टंडा है पता नहीं यार, अभी मैं कैसे वो फाइल मतलब डेटा कैसे ट्रांसफ़र करूँ अपने उसमें, उधर से लूँ कैसे, जैसे आपने देखा रहा कल रात को मैंने शूट किया था ज्योति के फ़ोन से, क्योंकि मेरे फ़ोन में काफ़ी सारे काम थे, कॉल्स भी ले रहा था मैं, एंड उसके बाद लोकेशन भी ट्रैक कर रहा था, पेमेंट भी करने का था मेरे फ़ोन से ही, तो उसके फ़ोन से मैंने शूट किया था, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है ना मैं बस शूट करने का, अगर मेरा फ़ोन बिजी हो गया तो शूट करने का कोई सोर्स ही नहीं मेरे पास, तो इसकी वजह से उसके फ़ोन से शूट किया, एंड अभी पूरा गेम बच गया। मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या चल रहा है बाहर टंटा। अपने अपने मर्जी से चल रहा है ये, देखो सब कितना स्लो, देखो कितना स्लो चल रहा है, इतना स्लो नहीं चलता मेरा आईपैड, देखो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कौन सा डेटा आया है क्या हुआ है, अभी तो कैसे सॉल्व करेंगे क्या पता यार, समझ में ही नहीं आ रहा मेरे कुछ, अपना बंद हो जा रहा है कुछ भी चीज। ओके सो गाइस, बहुत ज़्यादा बहुत ही मुश्किल से मैंने जो ट्रांसफ़र लिया है डेटा अपना, बहुत मुश्किल से, एंड अभी से मैंने कान पकड़ लिया, आज के बाद कभी ज्योति के फ़ोन से मैं शूट नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। वैसे तो अमूमन ट्रांसफ़र हो जाता है, बट उसमें बहुत टाइम लग गया डूड मेरे को, बहुत ज़्यादा। तो गाइस अभी जस्ट नीचे आए, एंड अभी जस्ट नहीं, काफ़ी टाइम से हम लोग नीचे हैं, मैं तो काफ़ी टाइम से नीचे हूँ एक्चुअली, दस गया था पढ़ाई करने के लिए, तो अपनी साइकिल यहीं छोड़ गया था, तो मैं ऐसे नॉर्मली चला रहा था क्योंकि इतना कुछ काम था नहीं, वीडियो वगैरह था जो भी है सब, लाइव वाली गज आगे जा रही है,
तो उस वजह से मैं नॉर्मली साइकिल चलाने आया थोड़ा सा सुकून से, थोड़ा टाइम साइकिल चलाया, देन उसके बाद ये आ गया, उसके बाद बंद कर दिया साइकिल चलाना, उसके बाद नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। एंड एक और चीज़ गाइस कि इसके नहीं जान दो वो चीज़ रहने छोड़ो। ओके सो गाइस मेरा डिनर वगैरह सब कुछ हो गया एंड फाइनली मैं बस वीडियो एंड करने आया हूँ। आज का दिन कैसे तैसे करके एंड हुआ, बहुत ख़राब था आज का दिन बहुत ज़्यादा। वो तो बड़े भैया की कृपा से मतलब ठीक ठाक तरीके से, ज़्यादा कुछ 19-20 नहीं हुआ, दिन एंड हो गया उतना ही खाली काफ़ी है। तो बहुत सारे आज का दिन तो पता नहीं स्टार्ट जब ब्लॉग स्टार्ट किया था तभी से काफ़ी ख़राब गया आज का दिन, क्योंकि शॉप में भी थोड़ा सा इशू हो गया एंड काफ़ी सारी चीज़ बिगड़ गए। आज का दिन बहुत 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 ज़्यादा ख़राब था आज का दिन, बताने लायक नहीं है। हालांकि व्लॉग बन गया, मस्ती मस्ती में मजाक मजाक में ही ले लो, मैं हंसी में ले लिया सब चीज़ को, तो उस वजह से काफ़ी अजीब गया आज का दिन। इतनी सारी मतलब इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर देते गाइस। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं चैनल के सब्सक्राइबर्स के साथ भी, क्योंकि हेटर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, पता नहीं क्यों, मैंने ना किसी को गाली दी ना कुछ किया फिर भी हेटर्स बढ़ गए, तो सपोर्ट करने वाले कम हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दो। मैं बहुत ज़्यादा हिंसक प्राणी नहीं हूँ, मैं ज़्यादा ना किसी के मामले में पढ़ता हूँ ना किसी के मामले में बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा सोबर शांत और अपने में जीने वाला आदमी हूँ मैं नहीं पढ़ता किसी के अंदर ज़्यादा, तो वही चीज़ है। तो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मिलते अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम। अभी तो लाल दुखा ली बाकी अभी।